अस्सलाम वालेकुम, जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो विवाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कैबिनेट सेक्रेटरीट में बहुत ही ज़बरदस्त असामियों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद की जो है जॉब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट, इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है जॉब्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात करें तो इस्लामाबाद की जॉब्स हैं, पोस्टिंग डेट 20 सितंबर है, जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2020 है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इसका एड आया है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। जॉब टाइप जो है गवर्नमेंट बेस्ड जो है परमानेंट जॉब है। जो टोटल सीट्स हैं वो 40 प्लस सीट्स जो है यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ जो है मैनुअली डिस्कस करती हूँ कि असिस्टेंट की यहाँ पर जो है 9 पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की 1, आईटी असिस्टेंट की 2, स्टेनोटाइपिस्ट की 18, अपर डिवीजन क्लर्क की 1 और लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पर 8 पोस्ट जो है अनाउंस की गई है। यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आपके सामने शो है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर के असिस्टेंट जो कि बीपीएस 15 स्केल की जॉब है, इसकी 9 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन जो है इसके लिए मस्ट है और 6 वीक जो है बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स जो है एमएस ऑफिस का वो भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर अगर हम कोटे की बात करें तो मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 2 सीटें हैं, माइनॉरिटीज पंजाब के लिए 1 है, डिसेबल के लिए 1, सिंध रूलर के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 1, केपीके के लिए 1 और फाटा के लिए 1 है। यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 28 साल तक के लोग यहाँ पर जो है मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीपीएस 15 स्केल की जॉब है, इसके यहाँ पर 2 पोस्ट अनाउंस की गई है। ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की यहाँ पर 1 पोस्ट है और बलूचिस्तान की 1, और 18 से 25 साल तक के लोग यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट बीपीएस 15 स्केल की जॉब है, जिसकी 1 ही पोस्ट है यहाँ पर। ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मेरिट की 1 सीट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18 से 25 साल तक के लोग इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आईटी असिस्टेंट बीपीएस 15 स्केल की जॉब है, इसकी 2 पोस्ट यहाँ पर है। सेकंड और क्लास सी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या सेकंड क्लास बैचलर यूनिवर्सिटी और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के 1 है और केपीके के लिए 1 है। 18 से 25 साल तक के लोग इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, जो कि बीपीएस 14 स्केल की जॉब है। इसकी यहाँ पर 18 पोस्ट जो है अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, उसके साथ ही मिनिमम स्पीड 80/40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड, और मस्ट कंप्यूटर लिटरेट होना इसके लिए ज़रूरी है। मेरिट की यहाँ पर 3 सीटें हैं, पंजाब की 6 है, वुमेन पंजाब के लिए 1 है, सिंध रूलर के लिए 2 है, सिंध अर्बन के लिए 2 है, केपीके के लिए 2 है, फटा के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1, और 18 से 25 साल तक के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है वो अपर डिवीजन क्लर्क की, जो बीएस 11 स्केल की जॉब है। 1 पोस्ट है, इंटरमीडिएट होना इसके लिए ज़रूरी है, और मेरिट की ओपन सीट है। 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क बीएस 19 स्केल की जॉब है, इसकी यहाँ पर 8 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और साथ में बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। मेरिट की यहाँ पर 1 सीट है, पंजाब की 1 है, माइनॉरिटीज पंजाब के लिए 1 है, डिसेबल के लिए 1, सिंध रूलर के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 1, केपीके के लिए 1 और बलूचिस्तान के लिए 1, और 18 से 25 साल तक के लोग जो है इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर जो है आपने पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको एक अदर लिंक नज़र आ रहा है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके साथ पास जो है इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको खोल के भी दिखा सकती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पोस्ट का नेम मेंशन करना है, यहाँ पर अपनी जो है पासपोर्ट साइज इमेज लगानी है, पिक्चर, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका नेम, यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, इसके अलावा डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर,
रिलीजन और किस कोटा पर आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अलावा अगर आपका किसी किस्म का जॉब का एक्सपीरियंस रहा है तो यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंशियल, मोबाइल नंबर, यहाँ पर डेट और यहाँ पर एप्लीकेंट के जो है सिग्नेचर आएंगे। तो इस तरह से जो आपका कम्प्लीट फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। इसके साथ आपने क्या लगाना है, आपने टेस्टेड कॉपीज लगानी है अपने CNIC की और दो जो है कलर्ड पासपोर्ट साइज जो है अपनी फोटोग्राफ्स जो है पिक्चर्स वो साथ इसके अटैच करनी है और सेंड कहाँ पर करनी है, कंपनी एड्रेस यहाँ पर मेंशन है कि सिलेक्शन ऑफिसर एडमिन 2 एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मेन रूम नंबर 115J कैबिनेट ब्लॉक इस्लामाबाद, यहाँ पर जो है आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर देने हैं तो इजीली जो है आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो जिसकी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो जॉब आई हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब.net के मेंबर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।